हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय सेल्फ पॉलमी. दोस्तों, जैसा कि मैंने मेरा पिछला वीडियो में ही कहा था कि मेरा आगे का कुछ वीडियो फेस्टिव सीजन से रिलेटेड होने वाली है, इसीलिए मेरा जो पिछला वीडियो था वो था फैशन से रिलेटेड और मेरा जो आज का वीडियो है वो है ट्रैवल से रिलेटेड. दोस्तों, इंडियंस ऐसे ही फेमस है पूरी दुनिया में अपने घूमने के शौक के लिए. इंडियंस बहुत ज़्यादा घूमते हैं और इंडियंस का घूमने के लिए मोस्ट फेवरेट सीज़न अभी आने ही वाली है. जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, द होल विंटर सीज़न हम लोग घूमने के लिए बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये है कि इस टाइम वेदर इतना अच्छा रहता है, किसी को पसीना नहीं आता, किसी को गर्मी के लिए तकलीफ़ नहीं होता, तो सेहत अच्छी रहती है. इसलिए सबको मोस्टली प्रेफर करते हैं विंटर्स में घूमना. तो दोस्तों, आपका अगर इस विंटर का डेस्टिनेशन है वाइज़ैग, जो कि विशाखापट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट में है, तो मेरा आज का जो वीडियो है वो सिर्फ आप ही लोगों के लिए है जो लोग वाइज़ैग का प्लान या तो बना चुके हैं या तो आगे बनाने वाले हैं. तो बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल वाले बेल बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे चल के मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आप लोगों के पास जाए. और मेरा आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स सबके साथ शेयर करिएगा, स्पेशली उन लोगों के साथ जिन लोगों का वाइज़ैग जाने का प्लान है, बिकॉज आई एम श्योर ये मेरा आज का वीडियो आप लोगों को हेल्प करने वाली है. तो अब ज़्यादा बातें ना बढ़ा के वीडियो के रिलेटेड बात करते हैं. दोस्तों, लास्ट मंथ मैं वाइज़ैग ट्रैवल कर रही थी और ट्रैवल करी थी राधा विद माय हस्बैंड. हम लोगों का जो ट्रिप था वो था 4 नाइट 5 डेज का. तो हम लोग उसमें 2 दिन वाइज़ैग में रुके थे और 2 दिन अराकू वैली चले गए थे वहाँ से. तो अब पूरा ट्रिप का डिस्क्रिप्शन मैं देख ही सकती हूँ, बट आज का जो मेरा पर्टिकुलर वीडियो है वो है एक होटल का रिव्यू, बेसिकली एक रिसॉर्ट का रिव्यू. दोस्तों, वाइज़ैग जो है वो है एक कोस्टल एरिया. जिन लोगों को पता नहीं हो, मैं उसके लिए थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देती हूँ. वाइज़ैग एक कोस्टल एरिया है एंड इंडिया में दिस इज़ दी ओनली सिटी जहाँ पे आपको हिल्स एंड सी साइड दोनों ही साथ में मिलेगा. चारों तरफ समुंदर है, समुंदर के बीच में पत्थर को काट के पूरा का पूरा शहर बनाया गया है. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा सुंदर है. अगर आप लोग नहीं गए होंगे तो डेफिनेटली एक बार जाइए, चेकआउट करिए, डेफिनेटली अच्छा लगेगा आई एम श्योर. सो इसमें बहुत सारा बीचेस भी है, एज इट इज़ अ कोस्टल एरिया तो बहुत सारा बीचेस है वहाँ पे. काफ़ी उसमें से फेमस भी है, जैसे रामकृष्ण बीच है, रोशिखंडा बीच है, याराडा बीच है और भी बहुत सारे बीचेस है. उसमें से रामकृष्ण बीच इसलिए फेमस है क्योंकि वो मार्केट एरिया के बीच में है, वहाँ के वहाँ से आपका एयरपोर्ट पास है, स्टेशन पास है, बहुत सारा प्राइवेट होटल्स, इवन आंध्र प्रदेश टूरिज्म का भी होटल आपको वहाँ पर मिल जाएगी. एंड द फेमस सबमरीन म्यूजियम, एयरक्राफ्ट म्यूजियम, वो सब उसके पास में ही है. तो इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर करते हैं रामकृष्ण बीच के आसपास ही रहना. और वहाँ पे आपको होटल स्टार्टिंग फ्रॉम 400 रुपीज़ टू ऑनवर्ड्स सारे तरह का रेंज में मिल जाएगी. आपका जैसा कैपेसिटी है आप वैसे रह सकते हैं. दूसरा आ गया उसके बाद जो जो बोला जाता है वाइज़ैग का सबसे रोमांटिक बीच, वो है ऋषिकोंडा बीच. ये बीच शहर से लगभग बाहर ही है आप बोल सकते हैं, क्योंकि मेन शहर से मार्केट एरिया से इट टेक्स अराउंड 45 मिनट्स बाय ऑटो टू रीच दैट प्लेस. सो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, बट अगर आपको भीड़ पसंद नहीं है, अगर आपको अकेले में टाइम स्पेंड करना है, अपने जिसके भी साथ आप जा रहे हैं उसके साथ ही रहना है या जगह को एंजॉय करना है, तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट ऋषिकोंडा बीच. और ऋषिकोंडा बीच में, जैसे हम लोग भी ऋषिकोंडा बीच में ही थे, ऋषिकोंडा बीच में अगर आपको रहना है तो आपको काफ़ी दिन पहले होटल बुक करना पड़ेगा. वो इसलिए कि ऋषिकोंडा बीच में कोई भी प्राइवेट होटल अभी तक नहीं है. वहाँ पे सिर्फ आंध्र प्रदेश टूरिज्म का ही एक बीच रिसॉर्ट है जहाँ पे हम लोग भी रुके थे, वहीं पे आपको रहना पड़ेगा. तो उसी रिसॉर्ट का ही मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ. तो ज़्यादा बातें ना करके जल्दी से वो रिव्यू देख लेते हैं और उसके बाद मैं थोड़ा सा रिसॉर्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स, उसका कॉस्टिंग, उसका थोड़ा कुछ और डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सो लेट्स चेक आउट द वीडियो. Now we are standing on the entrance road of the resort. The road is itself very beautiful, clean and full of greeneries. ये जो सामने वाला building है ये है community hall and उसके बगल में है resort का restaurant. ये जो building दिख रहा है ये है यहाँ का standard rooms. यहाँ पे AC, non-AC दोनों तरह का room आप लोगों को मिल जाएगा. और उसके सामने है ये ऋषिकोंडा बीच. ऋषिकोंडा बीच के ठीक ऑपोजिट में ही पहाड़ के ऊपर है ये रिसॉर्ट, इसलिए यहाँ का जितना भी रूम्स है वो सबके सब सी फेसिंग रूम्स है. यहाँ से रोड आगे आके ये जो जा रहा है ये जा रहा है कम्युनिटी हॉल एंड रेस्टोरेंट के तरफ.
अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ का सीनिक ब्यूटी बहुत सुंदर है, आपको मतलब आपके आपके आँखों के सामने बस ग्रीनरी और समुंदर छोड़ के कुछ नहीं दिखने वाली। नो पोल्यूशन, नो पॉपुलेशन, नथिंग एट ऑल, सो इट्स ब्यूटीफुल। और डेकोरेशन भी अच्छी खासी की हुई है। ये रिसेप्शन एरिया है, इसके ऊपर भी स्टैंडर्ड रूम्स है। ये राइट साइड में भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी स्टैंडर्ड रूम्स है। अभी हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं कॉटेजेस की तरफ। यहाँ पे सिंगल स्टोरेड, डबल स्टोरेड दोनों तरह के कॉटेजेस है, और सारे के सारे कॉटेजेस ही एसी है। तो ये है कॉटेज में जाने का रास्ता। यहाँ से नीचे जाने की सीढ़ी भी है, यहाँ से आप लोग सीधा नीचे जा सकते हैं बीच के तरफ। नीचे का व्यू भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। नीचे का व्यू कुछ इस तरह से है, यहाँ पे रोड, शॉप्स एंड ऑल यही सब है। यहाँ से आप चाहे तो नीचे जा सकते हैं। अभी हम लोग खड़े हैं कॉटेजेस के तरह सामने। यहाँ से सीधा सब कॉटेज ही है लाइन लगा के। हम लोगों का है डिलक्स 202, ये है सिंगल स्टोरेड कॉटेज। इसके सारे कॉटेजेस के सामने ही आप लोगों को इस तरह का ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिखेगी, जो कि बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उठ के ये सब देखने में। और सामने का व्यू कुछ इस तरह से है। अभी हम लोग चलते हैं अंदर। दैट्स माय हस्बैंड। अंदर का रूम मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। आप लोग रूम का साइज़ देख सकते हैं, रूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है, स्पेसियस है। यहाँ पे दो सिंगल बेड लगा हुआ है। पता नहीं क्यों हम लोग को सिंगल बेड दिया गया, ये मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में पूछा भी नहीं गया था। हम लोग कपल थे, फिर भी हम लोग को सिंगल बेड दिया गया। एनीवेज़ आगे चलते हैं। रूम का जो लाइट है वो वहाँ पे एक आप लोगों को सामने दिख रही होगी, एंड यहाँ ऊपर में दो है, तो यही लाइट है बस। एंड आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे एसी है, टीवी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सोफ़ा भी है, टेबल भी है। और अब बढ़ते हैं व्यू की तरफ। इस रूम का जो मेन अट्रैक्शन है वो है ये व्यू। इसका जो सामने वाला वॉल है वो ऐसे ही पूरा कांच का बना हुआ है, और आप सुबह सुबह आँख खोल के ही सबसे पहले समुंदर दिखेंगे। तो दिस इज़ द मेन प्लस पॉइंट ऑफ दिस रूम, ब्यूटीफुल व्यू। अब हम लोग चलते हैं रूम के दूसरे तरफ। रूम के दूसरे तरफ आप लोगों को कबर्ड दिखेगी। जो कबर्ड ऐसे स्पेसियस तो है, बट इसका कोई लॉक नहीं है, ना ही अंदर कोई लॉकर है, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फिर इसके बगल में है ड्रेसिंग टेबल, एंड डस्टबिन भी है, और चाय कॉफ़ी के सामान है, बॉटल्स है एंड ऑल। ये हम लोग बढ़ रहे हैं वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम के नीचे गेट के सामने ही यहाँ पे टॉवल दी हुई है डोर मैट की जगह पे, आई डोंट नो व्हाई, जबकि हमारे वॉशरूम में कोई टॉवल नहीं दिया हुआ था। एनीवेज वॉशरूम आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है, स्पेसियस है, गीजर है, सभी कुछ नॉर्मल जो भी रहना चाहिए वो सब है। लेकिन शावर यहाँ का थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ के शावर में हमको पता नहीं ये कौन से तरफ पानी गिरता है, तो I mean, पूरा बिखर जाता है पानी गिर के, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एनीवेज दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ द रूम। तो इसका प्लस पॉइंट ये, अच्छा मैं पहले माइनस पॉइंट बता देती हूँ। पहली बात तो मुझे बेड एकदम नहीं पसंद आया, क्योंकि पता नहीं तो ये डबल बेड क्यों दे दिया सिंगल सिंगल करके, मुझे एकदम नहीं समझ में आया। और लाइट्स काफ़ी कम है, रूम जितना ही बड़ा है लाइट्स उस हिसाब से है नहीं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एसी का रिमोट ठीक से काम नहीं करता। द मेन प्रॉब्लम इज़ हम लोग यहाँ पे दो रात तीन दिन में एक बार भी रूम सर्विस नहीं हुआ। मतलब आप अगर फ़ोन करके बोलेंगे तभी रूम सर्विस के लिए आएगा, वरना नहीं आएगा। और भी मेन प्रॉब्लम है, फ़ोन तो है लेकिन वो इंटरकॉम काम नहीं करता, वो और ज़्यादा तकलीफ है। अब आ जाते हैं इसके प्लस पॉइंट में। द मेन प्लस पॉइंट इज़ दिस व्यू। या रूम काफ़ी बड़ी है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी सफोकेटेड नहीं लगेगी। एंड सेकेंड बात है दिस व्यू। दो आपको इस तरफ से सनराइज़ नहीं दिखने को मिलेगी। आप अगर सोचेंगे रूम में बैठ के सनराइज़ देखेंगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ईस्ट फेस नहीं है। बट स्टिल यू कैन हैव दिस ब्यूटिफुल व्यू। तो मेरा ओपिनियन है अगर आपको व्यू चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस।
और अगर लेजर चाहिए तो थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट होटल के जैसे आप लोग होटल का आई मीन रिसोर्ट का पूरा रिव्यू तो देख ही लिए हैं, पूरा व्यू भी देख लिए हैं, कैसे क्या है, कहाँ पे क्या है, आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगेगा. एंड जो रिसोर्ट है उसका जो फोटो है वो भी मैं लास्ट में दे दूंगी, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, और उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन उसको बुक भी कर सकते हैं. अब आ जाते हैं इसके कॉस्टिंग पे. दोस्तों वहाँ पे जो हम लोग थे वहाँ पे स्टैंडर्ड रूम्स है जो कि एसी नॉन एसी दोनों तरह का आप लोगों को मिल जाएगा, और कॉटेज भी है, सिंगल स्टोरेड कॉटेजेस है, डबल स्टोरेड कॉटेजेस है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको बुक कर सकते हैं. कॉटेजेस सब के सब एसी है, तो उसमें दो तरह का रेट होता है. जैसे स्टैंडर्ड रूम का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप लोग जाके चेक करके देख सकते हैं. हम लोग जिस कॉटेज में थे उसका दो तरह का रेट होता है. जैसे मंडे टू फ्राइडे अगर आप रहेंगे तो उसका रेट थोड़ा सा कम है, लाइक 500-600 रुपीज़ कम है. और अगर सैटरडे संडे रहेंगे, जैसे हम लोग सैटरडे संडे के लिए ही बुक किए थे क्योंकि हम लोग का डेट वैसे ही पड़ा था, कोई उपाय नहीं था, तो इसलिए अगर आप सैटरडे संडे के लिए कर रहे हैं तब आपका रेट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है. जैसे हम लोग जिस रूम में थे जिसका व्यू अभी जस्ट आप लोग देखे ही है, उस रूम का जो भाड़ा था विथ टैक्सेस हम लोग का पड़ा था 3600 पर नाइट. तो ये लिटिल बिट कॉस्टली है अकॉर्डिंग टू मी, बट यहाँ पे दो तरह का ओपिनियन है मेरा, क्योंकि जो व्यू आप लोग देखे हैं वो बहुत सुंदर है, मैंने प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस किया है, तो आई कैन टेल यू व्यू आपको सच में अच्छा लगेगा. आई मीन देर इज़ नो डाउट इन इट. व्यू वाइज अगर आप डिसाइड करें या व्यू वाइज अगर आप सोचें, रूम भी अच्छा खासा बड़ा था, वॉशरूम बड़ा था, बहुत ही अच्छा पोजिशन पे था, आस पास कुछ नहीं, आपको एकदम शांत जगह मिलेगी हमेशा, सुबह रात दोपहर कभी भी आप जाइए, उस हिसाब से अगर आप सोचें तो या इट्स फाइन एब्सोल्युटली 3500-3600 इज़ गुड इनफ. लेकिन उसका जो फैसिलिटीज़ है मुझे उससे थोड़ा सा तकलीफ है, लाइक उसका रूम सर्विस ठीक से नहीं होता है. ऐसे तो रूम साफ साफ सुथरा ही था हम लोग जब गए, बट उसके बाद जब हम लोग दो दिन रहे उस टाइम उसका कोई भी रूम सर्विस नहीं हुआ, तो रूम में चाय कॉफ़ी भी बोल के मंगवाना पड़ता है, रूम में कोई टॉवल नहीं था, तो ये सब अगर आप देखें तो लगता है थोड़ा सा ज़्यादा ही है. तो इन दैट वे इफ़ यू वॉन्ट द नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल व्यू एंड योर यू नो प्राइवेट टाइम, तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस रिसोर्ट. और अगर आपको आपका प्रेफरेंस लेजर है कि मैं आराम से रहूँगा या कुछ भी, इन दैट वे अगर आपको फैसिलिटीज चाहिए तो आई विल नॉट प्रेफर दिस वन. सो इट्स नाउ इट्स अप टू यू आपको कौन से तरफ जाना है, बिकॉज मेरा ओपिनियन में दोनों ही अच्छा भी लगा और थोड़ा सा ख़राब भी लगा. तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपको क्या करना है. और एक चीज़ है, इसका जो रेस्टोरेंट है होटल रिसॉर्ट का, वो वहाँ का खाना लेकिन बहुत बढ़िया है, लेट मी टेल यू. इनफैक्ट पूरा आंध्र प्रदेश का खाना ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. मेरा आइडिया ही नहीं था साउथ इंडिया में इतना अच्छा खाना मिलता है, सब तरह का खाना. तो ये रिसॉर्ट का भी जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे खाना काफ़ी सस्ता भी है और क्वालिटी भी उसका बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेट मी टेल यू. और यस, ब्रेकफास्ट आपका कम्प्लीमेंट्री है, तो उसके लिए उसको भी हम लोग कॉस्ट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं. तो इन दैट वे यू कैन डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू स्टे ओवर देयर और नॉट. सो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है. अगर आप लोगों को मेरा वाइजैग का पूरा टूर के ऊपर वीडियो देखना है कि मैंने कब कहाँ क्या किया, कौन सा दिन कैसे स्पेंड किया, किस तरह से आप अपने प्लान को कर सकते हैं, अपना प्लान कर सकते हैं वाइजैग जाने की, वाइजैग एंड अराकू वैली का, वो अगर आप लोगों को देखना है तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. मैं आगे चल के कोशिश करूँगी उसके ऊपर एक पूरा मेरा पूरा ट्रिप के ऊपर एक वीडियो बनाने की. सो यस, आज के लिए इतना ही. अगर मेरे वीडियो अभी तक आप लोग देख ही लिए हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगा है, तो एक लाइक तो बनता ही है, एक प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. आप लोगों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पे. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.